है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। मैं पिछले सब करें लोगों की स्वागत करती। तो गाइस, आज है महाशिवरात्रि, जो आज है कौन सा डे है, आज सैटरडे है। और हमारे जैसे दो दिन शिवरात्रि है, एक दिन शुक्रवार को गया है और आज है सैटरडे, मतलब बंगाल में आज मनाते हैं। तो मैं भी आज ही मनाऊँगी, नहा ही नहीं हूँ। और अभी बज रहा है मॉर्निंग का, 9 बज रहा है, 9 या फिर 10 बज रहा होगा, नहीं पता है मुझे। तो अभी जाऊंगी, क्या बोलते हैं उसको, बेर तोड़ने के लिए जाऊंगी, क्योंकि जो महाशिवरात्रि में बेर लगता है, तो अभी यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है, कोई बेच भी नहीं रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, 10 पॉट ट्री है, वहाँ पे जाऊंगी। वहाँ पे मैंने बाबू को ट्यूशन छोड़ने, मैं कुछ दिन से जा रही थी तो देखा है वहाँ पर बहुत सारा है। तो अभी सोच रही हूँ वहीं पर जाके बेर तोड़ के लाऊँगी, जैसे 7-7 लगता है तो 14 पीस तोड़ के लाऊँगी। तो आप सबके साथ शेयर करूँगा, आप सब वीडियो में बने रहिए। ऐसे यहाँ पे सब कोई शुक्रवार को मना रहे थे, तो शुक्रवार को मैं गई थी मंदिर और आप सबके साथ वीडियो भी शेयर की हूँ, क्योंकि शुक्रवार को गई थी वहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, आप सबने देखा है। तो आज सामने में मंदिर है हमारा जो आज है, तो कल वाले लोग यहाँ, मतलब कल वाले दिन पे सबको यहीं पे मना रहे थे, तो हम भी गए थे मंदिर मनाने के लिए, लेकिन आज हमारा है तो हम क्यों ना मनाएं। तो इसलिए सामने मंदिर है घर का सामने, तो वहीं पे अभी जाएंगे, पानी वानी डाल के पूजा वूजा अच्छे से करके आएंगे। तो 2 दिन शिवरात्रि है, हम 2 दिन ही मना रहे हैं। गाइस देखिए, हम इसको तोड़ने के लिए आए हैं और तोड़े हैं तो नीचे गिर गया, उसी को मैं उठा रही हूँ। आज शिवरात्रि में हम इसी को चढ़ाएंगे पूजा पे, तो उठा के ले रही हूँ। बहुत अच्छा है, खाने का मन कर रहा था। 10 खाना होएगा अच्छा। सो गाइस देखिए, हम आ चुके हैं मंदिर, घर के सामने ही है। तो हम गए थे मंदिर कल, तो पूजा पाठ अच्छे से हुआ नहीं है, इसीलिए घर के सामने जो मंदिर है हम यहाँ पे आए हैं। और ऐसे भी आज हम लोगों का शिवरात्रि है, तो इसीलिए आज मंदिर आए हैं पूजा करने के लिए। 2 दिन मनाई हूँ, और मेरे मम्मी, मेरे भाभी और मैं, हम तीनों ही आए हैं। मेरे बाबू भी है साथ में, बाबू भी वीडियो कर रहा था। तो हम शिवरात्रि ऐसे ही मनाए हैं। तो आज का वीडियो गाइस से ज़्यादा क्लिप तो ले नहीं पाई हूँ, क्योंकि उपवास है, अच्छा भी नहीं लग रहा। और आज उपवास है तो घर में बनेगा खीर और पूरी। तो देखिए, खीर पूरी भी बन के रेडी हो चुका है। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।